सबसे पहले भगवान का शंख फिर चक्र गदा पद्म दिखाई दिए, फिर धीरे से भगवान का श्री वत्स चिन्ह वक्षस्थल पर भृगुलता के रूप में भगवान ने जो सुरक्षित रखा था। भगवान के चिबुक को अधरोष्ठ ऊपर के ओठ नासिका के दर्शन हुए, सहसा मां का ध्यान नारायण के कपोल पर गया। साहस नहीं जुटाई, नेत्रों में कैसे झांकें, नेत्रों में झांक कर देखा तो कोटि कोटि ब्रह्मांड सृजक नारायण के दर्शन, मस्तक पर मुकुट है, जगन निवास श्री हरि भगवान नारायण सामने हैं। स्तुति करने लगी, वंदन प्रणाम करने लगी और ये भी कहने लगी कि अपना रूप बदल लीजिए, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, अब शिशु बन जाएं, अब नारायण हैं, पुत्र के रूप में हमने आपको चाहा है, हे परमात्मा पुत्र चाहिए नारायण नहीं, हे ईश्वर विष्णु को नहीं मांगा बेटा मांगा है, आपके रूप में आपको नहीं चाहा पुत्र की कामना की है, कुछ ऐसा करो पुत्र बन जाओ। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा, भगवान रोदन करने लगे। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, प्रमोदन करने लगे। रोदन का समाचार सुना तो अनुचरियां दासियां रोक नहीं पाई, थाल बजाने लगी, शंख बजाने लगी, घंट घड़ियाल बजाने लगी, शहनाई बजाने लगी और वो नर्तन करने लगी, झूमने लगी, गाने लगी और आनंदित होकर प्रमुदित होकर पूरे आंगन में एक दूसरे को गुलाल लगाने लगी, परस्पर यों गीत गाते हुए मंगलाचरण करते हुए दशरथ को घेर लिया। चारों ओर से अनुचरियों ने दासियों ने ब्राह्मण कन्याओं ने ऋषि पत्नियों ने आशीष देने लगी और दशरथ की प्रसन्नता का पारावार नहीं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाला मानव ब्रह्मा नंद समान, जब पुत्र के समाचार हुए दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाला मानव ब्रह्मानंद समान, आनंद में डूब गए दशरथ, दोनों हाथों से रत्न लुटाने लगे। उसे उन्हें ध्यान नहीं रहा कौन योग्य अयोग्य, कितना पात्र अपात्र, किसको कितना देना कम देना, क्या व्यवहार करें, वो तो ऐसे उलीचने लगे। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही रे, बाज रही नौबत बाज रही, समाचार सुन सब सखियाई, समाचार सुन सुन सखियाई, समाचार सुन सुन सखियाई, दिए हाथों में
अवध में आनंद भये। अवध में आनंद भयो तेरे राम जी। आपको बोला है जय रमैया राम की। अवध में आनंद भये जय रमैया राम की। अवध में आनंद भये जय रमैया राम की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। अवध में आनंद भये जय रमैया राम की। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना। मानो ब्रह्मानंद समान। ये प्रसन्नता नहीं है, ये कोई खुशी नहीं है, आनंद। आनंद अलौकिक होता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दौड़ कर गए अपने गुरुदेव के यहां, साष्टांग प्रणाम किया,